जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बन्हा जी के अक्षय कारी श्री अजितनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, नमोस्तु भगवान। एक कथानक कल उसकी पूर्व भूमिका आपके सामने रखी थी, सती चेलना की एक कथा कल से प्रवाहमान है। कल आपने देखा कि महाराज श्रेणिक को जब उस चित्रकार भरत ने चेलना का एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्र दिखाया तो महाराज श्रेणिक बहुत ज़्यादा वासनाग्रस्त हो गए। महाराज श्रेणिक का पुत्र है एक अभय कुमार। अभय कुमार मात्र पुत्र ही नहीं है, उस राज्य का महामंत्री भी है। जितने भी बड़े बड़े राजा होते हैं वो मंत्री उसको बनाते हैं जो बिल्कुल सही समय पर सही सलाह देता हो, और अपने ही पुत्र को महामंत्री के पद पर महाराज श्रेणिक ने अधिष्ठित किया है मगध देश पर। अभय कुमार जैसे ही महाराज श्रेणिक का म्लान मुख देखते हैं, देख करके तुरंत अभय कुमार चूंकि मंत्री भी हैं, पुत्र भी हैं, परिजन भी हैं, तो वो तुरंत इस बात को ताड़ जाते हैं कि महाराज श्रेणिक के मन के अंदर कोई अंतर्द्वंद चल रहा है। अंतर्द्वंद का कारण पूछने पर महाराज श्रेणिक ने एक बार मन तो कर लिया कि अभय कुमार को अंतर्द्वंद बता ही दें। अभय कुमार के कंधे पर हाथ भी धरा और कहा कि पुत्र, इतना कह करके फिर वो शांत बैठ गए। जैसे वो शांत बैठे, अभय कुमार ने सिंहासन पर बैठे हुए पिता के घुटने पर बैठ करके अपना चेहरा पिता के ऊपर सामने करते हुए कहा कि पिताश्री, आप राज्य की चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका राज्य इतना निष्कंटक है कि इस राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विप्लव हो ही नहीं सकता है। परिजनों की भी चिंता नहीं है, क्योंकि परिजन भी अपने आप में पूर्णतः स्वस्थ, संपन्न और संतुष्ट हैं। घर के अंदर किसी और भी प्रकार का कोई पूरे देश में भी विप्लव नहीं मचा है, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। अगर आप ये, मैं ये भी सोचूं कि आपको धन धान्य की चिंता है, तो धन धान्य भी मगध देश में इतना ज़्यादा है कि कई पीढ़ियां निकल जाएंगी लेकिन इसका राजकोष खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पर वो जो आकुलता, वो जो अप्रसन्नता, वो जो आपके चेहरे पर म्लानता दिख रही है, मुझे अपना मंत्री समझ करके ही लेकिन वह बात कह दीजिए। जब पुत्र ने पिता से ऐसी बात कही, उस वक्त महाराज श्रेणिक से रहा न गया। महाराज श्रेणिक ने भरत चित्रकार के द्वारा दिखाया गया वह जो चित्र था वो अभय कुमार के हाथ में दे दिया। बोला, जब से मैंने ये चित्र देखा है तब से मैं अपने आप में रह नहीं पा रहा हूँ। इस स्त्री को देख करके, इस कन्या को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना मिली तो मगध का अधिपति होना भी मेरे लिए व्यर्थ की बात है। अब ये इतनी ऐसी घृणित बात थी, मैं तुमसे कैसे कहता, इसलिए संकोच पर बहुत देर लगाई।
लेकिन मेरा चित्त इस चित्र में दिखने वाली स्त्री के बिना रह नहीं पा रहा है। जब महाराज क्षणिक ने यह बात अपने ही पुत्र अभय कुमार से कह दी, अभय कुमार ने चेलना का वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्र मात्र एक नज़र में देखा और देखते ही साथ पिता से कहते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन है ये? तब महाराज क्षणिक ने बताया कि ये विशालपुर नाम के नगर में, जो सिंधु देश पर स्थित है, महाराज चेटक की पुत्री है चेलना। और महाराज चेटक का इस बात का संकल्प है कि हम सिर्फ जैन धर्मावलंबी को ही अपने राज की कन्या देंगे, अजैन को हम अपनी कन्या नहीं देंगे। अभय कुमार बोलते हैं महाराज क्षणिक से कि कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये कन्या आपके पास स्वयं चल के आएगी। इतना ज़्यादा आत्मविश्वास था अभय कुमार को, और महाराज क्षणिक को आश्वासन देते हुए कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर ये कन्या जैन है और अगर इसके पिता का यही संकल्प है कि हम जैन को ही ये कन्या देंगे, तो फिर निश्चित मानिए कि कन्या आपके हाथ में होगी। प्रकृति का एक नियम हमको याद रहता है, लेकिन हम एक नियम हमेशा भूल जाते हैं। प्रकृति में जब कभी भी देखिएगा, जब कभी भी आपको किसी के प्रति स्नेह होता है, अचानक स्नेह होता है, कई बार आपको ट्रेन में चलते हुए किसी मुसाफिर को देख करके प्रीति के प्रणाम हो जाते हैं, कई बार प्रीति बस में बैठने पर बगल वाले को देख करके पैदा हो जाती है, कई बार साधु को देख करके हो जाती है, साध्वी भगवंतों को देख करके हो जाती है, कई बार मोहल्ले पड़ोस के लोगों को देख करके हो जाती है। और प्रेम भी ऐसी अजीब सी चीज़ है कि बेवजह प्रेम हो जाता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। महाराज श्रेणी के पास सब था, अच्छी पत्नियां थीं, पुत्र थे, संपन्न परिवार था, राज्य शासन था, धन संपदा थी, वैभव था, राज्य शासन, सैन्य, घोड़े, हाथी, पदाती, सैनिक दल, सामंत, सब था महाराज श्रेणी के पास। लेकिन एक चित्र को देख करके महाराज श्रेणी के मन में बेवजह प्रेम पैदा हो गया। लेकिन हमारे साथ भी ये दिक्कत है कि हम बेवजह प्रेम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जैसे बेवजह प्रेम हुआ है, ऐसे बेवजह नफरत भी एक दिन पैदा हो जाती है। जब हम ये बात भूल जाते हैं कि बेवजह प्रेम एक दिन बेवजह नफरत पैदा हो जाएगी। जितने भी शादी संबंध होते हैं, घर के अंदर देखिएगा, जब शादी संबंध होते हैं तो आपस में कितनी उत्सुकता, उत्साह और प्रेम होता है, और प्रेम भी कई बार बेवजह होता है, कई बार वजह के साथ भी होता है। लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि बेवजह नफरत जिस दिन पैदा होगी, उस दिन बेवजह का प्रेम जो दाग हमारे जीवन पर छोड़ करके जाएगा, उस चीज़ को कौन संभालने वाला मिलेगा। आज हमारा अट्रैक्शन है किसी व्यक्ति के प्रति, हम उसे विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बेवजह, बस अच्छा लगता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब बेवजह नफरत का पौधा घर के अंदर उमड़ेगा, उन्हीं अफेयर्स वाले लोगों की एक हिस्ट्री देखिए, दुनिया में सर्वाधिक जितनी भी प्रेम कथाएं, गाथाएं, इतिहास में कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, इन सब लोगों को असफलता ही लास्ट में हाथ में लगी है। चाहे वो लैला मजनू की कहानी हो, चाहे हीर रांझा की, चाहे रोमियो जूलियट की हो, किसी को किसी का प्रेम ही नहीं मिला। असफल लोगों की प्रेम कथाएँ हमने अपने माथे में रखी और उनके प्रयासों को दिमाग में रख लिया कि उसने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे, और हमने अपने प्रेम को भाग्यवशात पा भी लिया तो भी क्या होता है। उन्हीं अच्छे प्रसंगों में जब अच्छा समझ करके, अच्छा विचार करके बच्चे शादी कर लेते हैं, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, पहली विदा के बाद, 1 साल के बाद पहला बच्चा पेट में है, और उसी बीच में जब डिवोर्स के पेपर फाइल होते हैं, तब वो चीज़ आगम ग्रंथों की याद आती है कि बेवजह प्रेम होता है और बेवजह नफरत होती है। किस बात से नफरत है कि वो रोज़ दिन में दरवाजे तेज़ आवाज़ में बंद करती है, इस बात से नफरत है कि वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है, इस बात से नफरत है कि वो रोज़ सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती है। ये छोटी छोटी सी बातों में बड़ा बड़ा प्रेम कहाँ चला जाता है। लेकिन वो जो प्रेम हमने किया था, वो जिसके पीछे हम परेशान थे,
उसको पाने के बाद जीवन में वो जो प्रेम दाग और अभाव छोड़ करके जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कभी भी जीवन के अंतिम बसंत तक नहीं होती। एक बार शादी कर लो बंधुओं, जीवन भर सलाती है इस बात के लिए कि फालतू में बेवजह प्रेम किया था, कुछ नहीं धरा था, और फिर अंत में कुत्ते की हड्डी के जैसा चबाना रह जाता है मात्र शेष, कि मन के अंदर सिर्फ एक हतोत्साहीपना ही जीवन में गृहस्थों के दिखाई देता है। कोई भी गृहस्थ शादी के 3 साल बाद ही इतना असंतुष्ट हो गया, कई लोग तो 2 महीने बाद ही असंतुष्ट हो गए, और जिनकी रोज रोज ऑब्जेक्ट बदलने की आदत है उनका तो कहना ही क्या। प्रेम की ऐसी कहानी है कि बुद्धिपूर्वक किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बुद्धिपूर्वक प्रेम भारतीय संविधान में जैसे पहले होता था, अरेंज मैरिज होती थी, और अरेंज मैरिज में हमारे दादा दादी लोगों तक तो हमें याद है इस बात का कि दादा ने देखा नहीं कि दादी कौन सी आ रही हैं, फोटो तक नहीं दिखाई गई, घर के लोग गए ब्याह पक्को करो चले आए, तो वहाँ ब्याह पक्को कर दो, कहाँ कर दो, इतने कर दो, कैसी है, 7 लोगों ने देख लो है, अब इतने लोगों को दिमाग चल रहा है, तुम्हें दिमाग चलावे की जरूरत नहीं है, काली है, गोरी है, सांवली है, ठिनगी है, मोटी है, नाटी है, पढ़ी लिखी है, कैसी है, ज़्यादा दिमाग न चलाओ, हम कर आए तुम्हारा पक्को ब्याह। पहले ज़माने में होता था, पहले विवाह होते थे, विवाह के बाद संबंधों में सामंजस्यता बनती थी, फिर प्रेम ऐसा स्थायित्व लेता था कि उस दंपति के जिसने शादी के पहले एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है 10-10 संतानें हो जाती थी। आज शादी के पहले सब कुछ समझने के बाद हम एक संतान करने के लिए 1000 बार सोचते हैं। पहले तो ये बात चलती थी भारत में कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब तो एक भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या हो गया, सेटलमेंट का ज़माना है महाराज, शादी कर ली, कुछ हो गया, लेकिन अब नहीं जम रहा, तो बहुत सहज है डिवोर्स फाइल करना, बहुत सहज है संबंध विच्छेद करके रह लेना। महाराज क्षणिक ने जब अभय कुमार को वो चित्र दिखाया, चित्र दिखाने पर अभय कुमार ने कह तो दिया कि चेलना लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभय कुमार की मानसिकता को आप देखिए कि अभय कुमार महाराज श्रेणी के पुत्र हैं, अभय कुमार की माँ महाराज श्रेणी के साथ रहती हैं, उस पर पुत्र कह रहा है कि एक सौतेली माँ घर के अंदर खड़ी करना कितनी बड़ी बात होती है, सोचिए। लेकिन अभय कुमार बोलता है कोई बड़ी बात नहीं महाराज, आप निर्विकल्प रहिए, आपको ये कन्या मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि जो साथ में जिनके हम जी रहे होते हैं उनके पाप के फल हमको भी भोगने पड़ते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, ये एकांत से सत्य नहीं है कि अपना किया हुआ कर्म ही हमको भोगना पड़ता है। हकीकत का सत्य तो ये है कि जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम जी रहे होते हैं, उनके किए गए पाप के फल भी हमको भोगने पड़ते हैं। अगर ये बात आपकी गहराई तक अंतर्मन में बैठे तो फिर घर की पारिवारिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है कि हमको हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के पाप के फल हमको नहीं भोगना। हम कोई एक बालक है, कोई एक व्यक्ति है, पुरुष है, वृद्ध है, स्कूल में शिक्षक हैं स्कूल में, और लड़का जो है एक नंबर का आतंकवादी है, टेररिस्ट है, बंदूक चलाता है, कुछ करता है। अब साथ में रहने पर साथ वाले के पाप का फल क्या उसके पिता को नहीं भोगना पड़ता? भोगना पड़ता है। और वो जो 7 व्यसन हैं इस संसार पे, शिकार करना है, परिस्थितिगमन करना है, चोरी करना है, जुआ खेलना है, आपके साथ मांस मदिरा मधु का सेवन करना है, ये जो 7 व्यसन हैं, इस 7 व्यसनों में जो भी अंतर्मन थोड़ा भी स्पर्श करेगा उसके किए गए पाप का फल उसके पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। आप भी अपने घर के अंदर महसूस करिए, क्या आप अपने परिजनों के किए गए पाप का फल भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? भोगते हैं ना। आपका पति शराबी है तो क्या आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है? नहीं मिलती महाराज। क्यों? काहे तुम्हारे जे तो हमने सुनी थी कि बेकल नर्दा में पड़े जाते। भाई कुछ ना बोलो, ये चक्कर में हमने लोगों कहा आबो जाबो छोड़ दो।
अब मान लीजिए लड़के ने मान लीजिए कोई बैंक रॉबरी कर ली हो, कोई केस कर लिया हो MCX या फिर गोल्ड ट्रेडिंग करके शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा करके 20-25-50 लाख रुपए बेच दिए हों, खराब कर दिए हों, तो क्या परिवार का पाप, किसी व्यक्ति का पाप आपको नहीं भुगना पड़ता? भुगना पड़ता है महाराज। अब लड़के ने खराब कर दिया तो पैसा देंगे, घर बेच के देंगे, दुकान बेच के देंगे, जमीन जायदाद बेच करके देंगे। और पाप का फल कभी कभार तो इतना गहरा होता है बंधुओं कि परिवार के लोगों की तो प्राणांत ही हो जाता है। अभय कुमार सोच रहे हैं अंतर मन में कि साथ में जिनके जी रहे होते हैं उनके किए गए पाप का फल भी भोगना ही पड़ता है। ये बात आप लोग भी अपने मन के अंदर बहुत गहराई से बैठाइएगा। और अगर जिसके मन के अंदर, घर के बुजुर्गों के मन के अंदर अगर ये बात गहराई में बैठ जाए कि साथ में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के पाप का फल हमको भी भोगना है, तो भी घर के अंदर की शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल बदल चुका होता है। अभय कुमार ने चेलना का वो चित्र देख करके महाराज श्रेणी को आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के बाद अभय कुमार ने अपने दो गुप्तचर तुरंत सिंधु देश के विशालपुर नामक नगर के लिए रवाना कर दिए। वे दोनों के दोनों गुप्तचर अभय कुमार के अति विश्वस्त पात्र थे। उसमें एक स्त्री भी थी, स्त्री भी गुप्तचर थी। उसका काम था कि चेलना के बारे में पूरी जानकारी लेकर के वो शीघ्र ही यहां पर आकर के महाराज युवराज अभय कुमार को बताएगी। गुप्तचर पहुंचा, वो स्त्री भी पहुंची जो गुप्तचर के रूप में वहां पर पहुंची थी। और उस गुप्तचरी ने धीरे धीरे करके रानी चेलना के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली। जैसे जब आप किसी का अपने घर के अंदर विवाह करते हैं, जब आप अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो लड़के की पूरी जानकारी धीरे से इकट्ठी करते हैं। कहाँ से करते हैं? पान के ठेले वालों से, पड़ोसी वालों से, किराना दुकान वालों से, कहीं भी जाकर के बैठ जाएंगे, अरे जी हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, हाँ 5 मिनट बैठ लेते हैं, 10 मिनट बैठ लेते हैं। आप भी गुप्तचरी करते हैं, ऐसे तो कोई की कुंडली में विश्वास कर नहीं ले सकते, चाहे बेटा का विवाह करना हो या बेटी का, गुप्तचरी तो सब करते हैं। अब गुप्तचरी के लिए अभय कुमार ने जैसे ही दो गुप्तचर भेजे, गुप्तचरी ने चेलना के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। अभय कुमार ने जितनी बातों को समझाया था, गुप्तचरी ने सारे संकेतों पर काम करना शुरू किया। उस गुप्तचरी ने जो गुप्त जानकारियां एकत्रित की, वो जानकारियां बड़ी आश्चर्यजनक थीं। एक संपन्न परिवार में बड़ी होने वाली बच्ची की कैसी शिक्षा होती है, जब गुप्तचरी ने ये बात की जानकारी एकत्रित की तो गुप्तचरी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहली, सबसे अद्भुत बात थी चेलना के जीवन की कि वो भले वो 18-19 वर्ष की आयु में थी, लेकिन उसके अंतर्मन में विश्वास का जीवन जीता था। वो चेलना विश्वास का जीवन जीने पर अपने आप को जी रही थी। विश्वास का जीवन क्या है कि एक सफल व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप संपन्न परिवार के लोग हैं, जिन लोगों के अंदर आर्थिक अभाव है, जिनके घरों के अंदर धन की कमी है, उनके शिक्षा का स्तर कुछ दूसरा हो भी सकता है, लेकिन जिनके घरों के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जिनके घरों के अंदर संपन्न है, अच्छे शोरूम चलते हैं, अच्छा पैसा आता है, अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, अच्छा मकान है, गाड़ी घोड़े हैं, किसी बात से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसे संपन्न परिवारों में शिक्षा का स्तर क्या होता है, एक बार चेलना की उस व्यक्तिगत जानकारियों से अपने घर के अंदर को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। चेलना के बारे में जब गुप्तचरी ने पता किया तो गुप्तचरी ने देखा कि चेलना को भगवान पर और परिवार के लोगों पर अति विश्वास है। चेलना विश्वास का जीवन जीती है। आप लोगों के घर के अंदर कितने लोग हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है कि मंदिर के अंदर प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है, उनकी पूजा अभिषेक करने पर, शांति धारा करने पर, मंत्र जाप करने पर, स्तोत्र पाठ करने पर वे प्रतिमाएं अभूतपूर्व लाभ देती हैं? कितने लोगों को? गिने चुने मैक्सिमम लोगों को अगर भगवान के ऊपर विश्वास होता तो सबसे पहले भगवान की सेवा करते।
लेकिन भगवान के लोगों पर जानकारी होना भगवान की अलग बात बंधु, और भगवान पर विश्वास होना अलग बात, जानकारी होना अलग चीज है। जानकारी है हमें तीर्थंकर ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन चेलना विश्वास का जीवन जीती थी। उसको अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी अति विश्वास था और अपने प्रभु के ऊपर भी विश्वास था। संपन्न परिवारों की शिक्षा का पहला सूत्र है कि शिक्षा सबसे पहले विश्वास पैदा करती है, और हमारे यहाँ की वर्तमान काल की शिक्षा अविश्वास पैदा करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या है, हम पढ़े लिखे लोग हो गए कॉन्वेंट स्कूल के, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, सब नॉर्मल है, जो भी करता है इंसान करता है। ऐसे आपके बच्चे जब भाषा बोलने लगे तो समझना कि शिक्षा का पैमाना बदल गया। वहां पर चेलना की शिक्षा के बारे में, चेलना के बारे में जब गुप्तचरी ने पता किया तो चेलना वहां पर देख करके आई कि चेलना के जीने का कोई मकसद है, रीजन फॉर बीइंग, कि जीने का कोई मकसद है। हमारे जीने का क्या मकसद है, आपके जीने का क्या मकसद है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक, रात को 9 बजे तक दुकान चलाना, पैसा इकट्ठा करना, संपन्न परिवारों के जीने का कोई मकसद होता है, रीजन फॉर बीइंग लाइफस्टाइल रहती है लोगों की, कि क्या किस लिए हम जीवन जी रहे हैं उनको पता होता है। आपको तो पता ही नहीं है कि हम जीवन क्यों जिए जा रहे हैं। जब सारी संपन्नताएं हैं तो फिर पैसे की तरफ दौड़ क्यों है? और हमारे संपन्न परिवार की जो बेटियां रहती हैं वे, उनकी दौड़ पैसे की तरफ क्यों है? अरे महाराज, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी पैसे कमाने से नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेल्फ डिपेंडेंसी इनर वर्ल्ड की क्वालिटी डेवलप करने से और अपने अंदर के खुद के सेल्फ पावर जनरेट करने से होती है, कि हमने सिर्फ एक कला सीख ली पैसा कमाने की विद्या। हमारी लड़की MBA है, CA है, CFA है, IS है, IPS है, कुछ भी है, लेकिन रीजन फॉर बीइंग पैसा कमाना नहीं है। इंसान पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और अपनी लाइफस्टाइल का पूरा गोल्डन टाइम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7-8 बजे तक किसी कंपनी के काम करने के लिए भी हम पैदा नहीं हुए हैं बंदो। हम हमेशा वही काम करते हैं कि पूरी लाइफ का गोल्डन टाइम 22 साल की उम्र से लेकर के 65 साल की उम्र तक हम किसी कंपनी को दे देते हैं, और कंपनी को दे करके वो 2-5-10 लाख से लेकर के 50 लाख से लेकर के 1-1.5 करोड़ तक का पैकेज देता है, और उसी पैकेज में जीते 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 कब हमारे जीवन की शाम हो जाती है हमको पता नहीं चलता। लेकिन रीजन फॉर बीइंग क्या होती है, जीने का मकसद क्या होता है, क्यों जिया जाता है, ये चेलना का जब पता चला तो देखते रह गए। चेलना की श्रद्धा, चेलना के जीवन की कोमलता, चेलना ने पूरे के पूरे विशालपुर नामक नगर में एक ऐसा माहौल बना के रखा था, क्योंकि वो जैन धर्मावलंबी थी, जैन धर्म की अनुयायी थी, हर घर में वृद्ध माता पिता की एक अलग तरीके से सेवा होती थी। चेलना ने मंदिर के अंदर से माहौल बनाया। आज जब हमारे वृद्ध माता पिता होते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका इलाज कराते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनको पूरी सुविधाएं देते हैं, दवाएं देते हैं, लेकिन हमारे माता पिता, कितने लोगों के ऐसे माता पिता हैं जो घर के अंदर बिस्तर पर दम तोड़ देते हैं या फिर हॉस्पिटल पर दम तोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने अंतिम समय तक इलाज कराया, और इलाज करा करके गांव वाले जो ना बोले कि भैया तुम अपने मम्मी पापा को पाल नहीं पाए, तुमने अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं करी, ये बात उठती है ना मन के अंदर, उठती है महाराज। अगर ऐसा नहीं करें, इलाज नहीं कराएं, डॉक्टर इलाज नहीं करें, तो लोग कहेंगे, का कहेंगे लोग, को का कह है, को जो कह है कि भैया मम्मी पापा ने इतनो दो, मोड़ा ने उनको इलाज भी नहीं कराओ। लेकिन चेलना ने पूरे विशालपुर नामक नगर में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर घर का कोई भी सदस्य या कोई भी वृद्ध बिना संलेखना किए मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पूरे समाज के लोग कहते थे कि तुमने अपने पिता को इस विशालपुर नगर में आने के बाद खाली हाथ वापस लौटा दिया। पिता का खाली हाथ वापस लौटना है, बिना संलेखना के चले जाना, बिना संलेखना के परिवार का किसी भी सदस्य की मृत्यु हुई, उसने ऐसा माहौल बना दिया था कि घर का एक भी सदस्य अगर बिना संलेखना के मृत्यु को प्राप्त हुआ तो घर के पूरी समाज के लोग बोलते थे, धिक्कार है तुमको
कि तुमने अपने माता पिता को स्कूल में आने के बाद खाली हाथ वापस भेज दिया। क्या हमारे घर के अंदर ऐसा माहौल है? क्या हमको ऐसा लगता है कि हम अपने माता पिता की अंतिम समय में हॉस्पिटल में जो सेवा करते हैं उससे अच्छा संलेखना करके भेजा तो लोग बोलेंगे कि पुत्र ने अपने माता पिता का कर्तव्य निर्वाहन किया कि अपने माता पिता को संलेखना समाधि पूर्वक इस पर्याय से वापस भेजा। हॉस्पिटल से वापस भेजने वाले लोग अपने दायित्व की पूर्ति समझते हैं? आप समझते होंगे, मैं मानता हूं ऐसा, लेकिन मैं इसको मानता नहीं। हकीकत तो वह थी जो सेलना ने रीजन फॉर बीइंग स्टैंड किया था, जीने का मकसद। हर घर के अंदर वो बात पैदा हो गई थी कि बिना संलेखना के विशालपुर नगर में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती थी, चाहे वो जैन हो या अजैन हो, सबके अंदर चेलना का ऐसा अद्वितीय प्रभाव था। अपने घर के अंदर भी ये बात पैदा करिएगा, जितना लगता है कि माँ पिता का इलाज कराना है और इलाज कराते 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 हम पैसे से दिगंबर हो जाएं, लेकिन अपनी श्रद्धा ना छोड़ें। हम पैसे से दिगंबर हो गए, कुछ नहीं बचा पैसे के मामले पर, श्रद्धा भी गई, मनुष्य भी गया, पैसा भी गया। और संलेखना का अगर प्रकल्प सामने रखा देवशास्त्र गुरु की शरण पूर्वक, मुक्ति के द्वार कहलाते हैं देवशास्त्र गुरु, वहां तक माता पिता को पहुंचा करके अनंत की यात्रा के लिए भेज देने वाले लोगों का जीवन सफल है। ऐसी भावना संलेखना की चेलना ने पूरे के पूरे विशालपुर नगर के एक एक जनमानस पर रख दी थी। उसका भगवान पर बहुत विश्वास था, श्रद्धा थी उसको अपने घर के परिवार के लोगों के ऊपर कि हमारे परिवार के सदस्य किसी भी कीमत में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को नहीं करेंगे। सफल लोगों के घर के अंदर की शिक्षा क्या होती है, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूं। चेलना ने वहां पर किया डाउन शिफ्ट, नो क्रॉनिक स्ट्रेच। इसके लिए जैन शासन की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रतिक्रमण की। चेलना जो है वो मंदिर में शाम को 6:30 बजे पहुंच जाती थी। गुप्तचरी ने देखा कि निश्चित समय पर चेलना 6:30 बजे मंदिर पर पहुंचती है और उसके कंठ की मीठी आवाज में जब वह पूरे पूरे महिलाओं को और बच्चियों को प्रतिक्रमण कराती है, चेलना एक ही बात फैलाती थी सबके बीच में कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेच लेकर के रात में सोना नहीं है, माथे पर किसी भी प्रकार का वजन लिए बिना निद्रा जो आती है उस निद्रा से शरीर पुष्ट होता है। डाउन शिफ्ट, वापस लौटने की प्रक्रिया, प्रतिक्रमण। उस प्रतिक्रमण के माध्यम से जब एक साथ चेलना के साथ 300 से ज्यादा बहनें बेटियां सामूहिक प्रतिक्रमण करती थीं, गृहस्थ सामूहिक प्रतिक्रमण करता है महाराज, वो भी मंदिर के अंदर आकर के, हमने तो सुना था सिर्फ पर्युषण पर्व के 10 दिनों में करता है। यही तो आपका भ्रम है बंधुओं, कि आपको लगता है कि सिर्फ 10 दिनों के पर्युषण के 10 दिनों में ही वे कर्तव्य किए जाते हैं, प्रतिक्रमण के, आलोचना के, प्राश्चित के, जबकि संलेखना के, प्रतिक्रमण के, प्राश्चित के, प्रत्याख्यान के वे नियम संकल्प जो एक मुनि महाराज जीवन में फॉलो अप करते हैं वो श्रावक भी करता है। श्रावक भी वहां पर मंदिर जी के अंदर शाम को जाकर के प्रतिदिन सामूहिक आलोचना का पाठ करता है, सामूहिक प्रतिक्रमण। आप सामूहिक स्वाध्याय करें या ना करें कोई बात नहीं है, मंदिर के अंदर वचनिका बचे या ना बचे कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर सामूहिक प्रतिक्रमण प्रतिदिन होना चाहिए। ये बात भी अगर हमारे परिवार में, समाज में लोगों को समझ में आ गई तो हमारे परिवार का, समाज का, जीवन का सौंदर्य और विकसित हो जाएगा। स्वाध्याय हमें नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको स्वाध्याय समझ में नहीं आता है आप स्वाध्याय मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन सामूहिक प्रतिक्रमण की व्यवस्था हर मंदिर पे होनी चाहिए कि हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में शाम को 6 बजे नो क्रॉनिक स्ट्रेच, नो एनी स्ट्रेच, बिना स्ट्रेच लिए मुझे रात में सोना है, मैंने दिन भर में जो भी अपराध किया है, किसी से झूठ बोला है, मायाचारी करी है, मैंने किसी भी धन का, परद्रव्य का अपहरण किया है, मैं पहले देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक मंदिर जी के अंदर बैठ करके अपना प्रतिक्रमण करूंगा और प्रतिक्रमण करने के बाद ही विश्राम करूंगा। ये स्वाध्याय परम तपाय जो बात है ना दिमाग में, इसको थोड़ा सा यहां से निकालो, अब अपने दिमाग में बात डालो कि प्रतिक्रमण परम तपा, कि मुझको घर के अंदर रह करके मैं पुस्तक पढ़ पाऊं, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग का कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं प्रतिक्रमण प्रतिदिन करूंगा।
सुबह भी करूंगा शाम भी करूंगा, नहीं होगा सुबह नहीं करूंगा तो शाम को तो मैं प्रतिक्रमण करूंगा ही, बिना प्रतिक्रमण किए मैं सोऊंगा नहीं। चेलना ने पूरे राज्य में ऐसा माहौल बना दिया था बंधुओं, चेलना के बने हुए इस माहौल से इतना गजब का वातावरण बना कि अजैन लोग भी आकर के मंदिर जी में, जिन मंदिर के अंदर बैठ करके चेलना का प्रतिक्रमण सुनते थे और उसकी भाव विशुद्धि, उसके बोलने की कला कौशल और विज्ञान से प्रभावित होकर के अपने आप को धन्य धन्य समझते थे। हम जहां भी रहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ साथ वालों का पाप भोगना पड़ता है, कई बार महापुरुषों के साथ रहने पर महापुरुषों के पल्ले का पुण्य भी हमारे जीवन के अंदर रोशनी करके चला जाता है। चेलना ने पूरे के पूरे विशालपुर नगर पे इस तरीके की प्रतिक्रमण की आलोचना की व्यवस्था बना के रखी थी। गुप्तचरी देखी तो देखती रह गई। गुप्तचरी देखती है कि चेलना के मित्रों का एक अच्छे मित्रों का संगठन है, अच्छे परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि निश्चित बात है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 24 आवर्स नहीं रह सकते, क्योंकि परिवार के लोगों का मिलना हमारे भाग्य की बात है। हमको नहीं पता कि हमारी माँ काली होगी, गोरी होगी, ठिनगी होगी, चेचक के दाग वाली होगी, गरीब घर में पैदा होंगे, बड़े घर में पैदा होंगे। हमको नहीं पता कि हमारे भाई बहन होंगे नहीं होंगे, न्यूक्लियर फैमिली को हम बिलोंग करेंगे, हमको नहीं पता। परिवार मिलना एक हमारी भाग्य की बात है, लेकिन मित्र हम अपनी च्वाइस से पैदा करते हैं, और मित्र का चरित्र और अपना चरित्र जब तक एक नहीं होता है तब तक दोनों में मित्रता होती नहीं है। लेकिन जब चेलना के मित्रों का संगठन देखा कि जैसी चेलना है, चेलना के मित्रों का संगठन भी वैसा ही है कि लोग शाम को बैठ करके भी निंदा रस में रस ना लेकर के धार्मिक क्रियाकलापों में रस लेते हैं, गुप्तचरी ने यह बात नोट करी कि मित्रों का संगठन भी चेलना का जबरदस्त है। अपने बच्चों का और अपना दोनों का मित्रों का संगठन देखिएगा। अगर व्यसनी मित्रों का संगठन है तो जुआ खेलने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं, गुटखा खाने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं, सिगरेट बीड़े पीने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं। दुनिया में जितने भी व्यसनी हैं वो जात पात के बेस से ऊपर मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मसाला। मुल्ला और नमाजी दो हैं, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदरालय, एक मगर उनका प्याला। दोनों जब तक पंडित मुल्ला दोनों जब तक एक ना होते जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बहर कराते, मेल कराती मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन की जी की वो जो कविता है, वो जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सही बात है। सारे व्यसनी एकजुट होकर के सारे व्यसनों की पूजा करते हैं। पंडित और नमाजी दो हैं, दो मगर एक मगर उनकी हाला, पंडित भी है और नमाजी भी है। दोनों दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के मालिक, दोनों शराब पीते हैं। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों जब तक एक ना होते मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। शराब खाने में जाकर के देखिएगा, क्या जैन, क्या पंडित, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक साथ बैठ करके आयो लाल झूले लाल, सब एक साथ बैठ करके शराब पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भाई? क्योंकि व्यसन है, व्यसनों की व्यसनियों का बहुत बड़ा संगठन है। पत्ते खेलने वाले लोग दुनिया में देखिएगा, आपके घर के सामने से आपके बच्चे को उठा करके ले जाते हैं लोग, पता नहीं चलता। ये तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं ना 18-20 साल के, उनके मित्रों को संगठन है। क्यों भाई, चल रहे क्या, ट्यूशन का टाइम हो गया तो टीम बेल बजाने की, गाड़ी की पोपो बजाने की अपनी अपनी स्टाइल है। तीन बार पोपो बजाया इसका मतलब है कि अब आपको पत्ते खेलने चलना है। हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बच्चा कितनी हड़बड़ी में, दिमाग खराब नहीं करो। जब बोलते हैं ना भैया तुमने अभी जो काम नहीं करो, अभी जो बिल भरने हैं, अरे भर तो दे हैं यार, अभी दिमाग खराब ना करो, अभी जान दो। जब बच्चा ऐसा बोले तो समझना कि व्यसनी बच्चों के साथ व्यसन की इतनी स्पीड है कि वो घर के दैनिक कर्तव्यों को पालन किए बिना व्यसनों में कूद रहा है। कहीं कॉफ़ी हाउस जाना पड़ेगा, कहीं सिगरेट पीने जा रहे होंगे, कहीं जुआ खेलने जा रहे होंगे, कहीं बियर ड्रिंक करने जा रहे होंगे, इन्हीं व्यसनों में कहीं किसी अफेयर्स में फंसे होंगे,
तभी ये जितने भी दुनिया भर के तमाम बच्चे हैं, बेटियां हैं, शाम को 7, 7:30, 7:45 बजता है, बहुत स्पीड में एक्शन का सूज बांधते हैं, जीन्स पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, डीओ लगाते हैं, जैकेट डालते हैं, गाड़ी साफ साफ फट 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 साफ करते हैं, ड्रुम 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 चालू करिए निकल लिए। ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे व्यसनों में फंसे हैं। 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक बच्चा अगर आँख में ना दिखे तो समझ लेना कि हमारे बच्चे के मित्रों का संगठन खराब है, और ये खराब संगठन आतंकवादी के संगठन से कम नहीं है बंधुओं। कभी बच्चे के कारण पापा की अंगूठी गायब हो जाती है, कभी जेब से पर्स में से सोना गायब हो जाता है, कभी एक आध कोई आपने गोल्ड का बिस्किट रखा हो देखा तो गायब ही हो गया। जरूरी नहीं है कि घर के अंदर चोर ही चोरी करता है, घर के अंदर के लोग भी सफाई से हाथ साफ करते हैं बंधुओं। तो ये क्या है? मित्रों का संगठन हमारे और आपके, देख लीजिएगा एक बार, ऑब्जर्वेशन करिएगा, क्या हमारे परिवार में जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके मित्रों का संगठन भी ऐसा ही है क्या? 20-22 साल की उम्र का बच्चा रात को 11 बजे घर के अंदर आ रहा है तो 7:30, 7:45 में कोचिंग का बहाना लेकर के उसको हर बार कोचिंग में नया जीन्स चाहिए, नई शर्ट चाहिए, नया पैंट चाहिए, नया गॉगल चाहिए, कोचिंग में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। लेकिन चेलना के मित्रों का संगठन तो बड़ा जबरदस्त था, सारी की सारी उसकी सखियां शाम को बैठ जाती तो तत्वास सूत की, गुड़स्थान की, मार्गणा स्थानों की चर्चा करती। आपके यहाँ तंबोला और हाउजी होती है, वहां पर गुड़स्थानों की चर्चा जब चेलना करती तो बड़े बड़े वृद्ध और पंडित लोग भी दांतों तले उंगली दबा लेते कि छोटी सी बच्ची होकर के गुड़स्थान के मामले में इतनी महारत प्राप्त है। बड़े घरों की शिक्षा अलग होती है, जिनके घरों में फैमिली स्टेटस बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकअप नहीं है, जिनको अभी भोजन की चिंता है, जिनको अभी चिंता है कि अभी हमको अपना मकान बनाना है, छत डालनी है, गाड़ी खरीदनी है, उनके लिए तो फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस काम आती है बंधुओं। लेकिन मेरे जीवन का निजी अनुभव है कि स्कूल में पढ़ी गई शिक्षा कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ में कभी काम नहीं आई, कभी भी घर के कोई भी मेथड फिजिक्स से, मैथ से और बायोलॉजी से सॉल्व नहीं हुए। कितना भी अच्छा प्रोफेसर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा साइंटिस्ट क्यों ना हो, घर के अंदर के जब भी उसको अपने गृहस्थी चलानी पड़ी है, ये जिंदगी के दिए गए 8-8 घंटे जिंदगी में कभी काम नहीं आए। आप क्या आए हो तो आप मुझे बताइएगा। मेरा तो अभी 45 साल का यही अनुभव है कि मेरी जिंदगी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कभी काम नहीं आई। संस्कृत हिंदी का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा भी कि ग्रंथों को पढ़ने में मुझे सहजता मिली, लेकिन बाकी चीज़ें तो कभी किसी काम में नहीं आई। फिर काम में क्या आया? औचित्य गुण, किस वक्त कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सिखाना पड़ता है बच्चों को। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद क्या जाने कि कैसे एक माँ बाप के चेहरे से हंसी जाती है, कैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी चली गई पता नहीं चलता, क्योंकि हमने अपने बच्चे को सब दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब दिया, लेकिन कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका सीखना हो तो चेलना के चरित्र से सीखिएगा, ये सलीका सीखना हो तो उन महान गुरुओं से सीखिएगा, ये सलीखना सीखना हो तो ब्रह्मचारियों से सीखिएगा कि कैसे घर के अंदर रहने पर कब कौन सा संवाद किसके सामने कितने बजे, कौन सा दिन में, कौन सा शाम को, कौन सा दोपहर में करना पड़ता है। अगर बेवक्त कोई संवाद हो जाता है तो कितना बुरा लगता है, सुबह से दिमाग खराब कर दिया, शाम को नहीं बता सकती थी, अभी ज़रूरी था खाना खाने के टाइम में बताने पे, खाल रख लो खाना, नहीं खाना हमें, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। लेकिन गुप्तचरी ने देखा कि चेलना का जीने का मकसद, चेलना पूरे दिन में कितने भी कर्तव्यों का पालन करे लेकिन चेलना 2 घंटे बिल्कुल प्रसन्नता के मूड में हंसी मजाक करती हुई अपने आप को स्वस्थ करती है। ये भी गुप्तचरी ने देखा कि वो उद्यान में बैठना पसंद करती है, झूला झूलना पसंद करती है, अपने आप को प्रसन्न रखती है। ये टाइप लाइफ का 2 घंटे का एक हैप्पी हावर अपने लिए भी होना चाहिए, लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा डप्पी पावर है। सुबह 8 बजे से जो घुसे दुकान के अंदर महाराज,
इतनी चलती है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्या बताएं हम। ये हैप्पी हावर आपकी लाइफ का कहाँ गया? और जब आपको लगे कि हम अपनी कहीं पर भी किसी गार्डन में घूमने नहीं जा पाते हैं, कहीं झूला नहीं झूल पाते हैं, कहीं अपने आप को बैठा करके एकांत में चिंतन नहीं कर पाते हैं, तब भी जिनालय बहुत अच्छे होते हैं बंधु। किसी भी जिनालय के एक भी पिलर के सामने शांति से बैठ जाओ, भगवान की मूर्ति दिखती रहे, 2 घंटे तक कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन अपनी मानसिक स्वतंत्रता के लिए, अपने खुद के मस्तिष्क को शांत रखने के लिए बिना कुछ पढ़े भी भगवान के सामने आधा एक घंटा बैठ करके चले आओ। लाइफ का बड़ा सबसे अच्छा हैप्पी पावर स्टाइल है, पावर मतलब पावर हाउस है वो, कि हमको अपने आप को खुश रखना है। हमको नमोकान मंत्र में मन नहीं लगता, हमको स्वाध्याय में मन नहीं लगता, हमको पूजा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर जी के अंदर जा करके भगवान के सामने आधा एक घंटा ऐसे ही बैठ के चले आओ, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ मंत्र का जाप किए। उसमें भी तुम्हारी जिंदगी का बहुत सौंदर्य विकसित हो जाएगा, क्योंकि मंदिर का ऐसा वातावरण होता है कि उस वातावरण में जाने पर शांति अपने आप जीवन में प्रवेश कर जाती है। जीवन की कितनी हापाधापियों में हम स्टेशन घूमने चले जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनके मतलब मोहल्ले में आसपास ही स्टेशन होता है, तो वो शाम को 7 बजे स्टेशन में, कहा भाई चल रहेगा, आओ भैया चल रहे, 4-5-7 लोग उठे, बेसारे के सारे लोग चले गए, बीच में एक दुकान से गुटखा ले लो। अब स्टेशन के पूरे जो प्लेटफार्म होता है ना 1.25 किलोमीटर का, उसके महाशय लोग 5-7-8 राउंड मारते हैं, इधर से उधर, फिर उधर से इधर, फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, फिर इधर से उधर। अरे हमने कहे जितने राउंड तुम स्टेशन के मारते हो, उससे अच्छा तुम इतना संकल्प कर लो भैया हमें कछु नहीं आया जाए, हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे मंदिर में 13 वेदियाँ हैं, 13 वेदियों में कछु नहीं तो 9 बार नमो का मान पढ़ें, सब भगवान को एक बार उठें बैठें नमोस्तु करें, एक बार उठें बैठें नमोस्तु करें। इतना भी नहीं कर सकते हो कि एक वेदी पर 23 भगवान हैं, 23 बार बैठो उठो नमोस्तु करो, इतना नहीं है तो कसम खा लो कम से कम जो बड़े बड़े भगवान हैं उनको एक बार खड़े होकर नमोस्तु करेंगे। तो जितना टाइम तुम स्टेशन में वेस्ट कर रहे थे, उससे अच्छा तो तुम मंदिर में अपने आप को स्ट्रेच फ्री कर सकते हो। अपनी लाइफ का 2 घंटे का हैप्पी पावर खुद मेंटेन करना पड़ता है। चेलना ने वो सब चीज़ें कर दी। चेलना की एक और बहुत अच्छी बात देखी गुप्तचरियों ने, कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी काम में चेलना व्यस्त रहे, प्राथमिकता उसकी उसके परिवार को लेकर के थी। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे परिवार के लोग, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता थी परिवार की। और हमारी प्राथमिकता क्या है? परिवार के लोगों की प्राथमिकता घर के अंदर कितने लोगों की है? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार को प्रायोरिटी है? अरे परिवार के लोग भी नहीं चाहते। 2 भाई वे दोनों भी अपने अपने परिवार की प्रायोरिटी तो चाहते हैं, लेकिन सामूहिक परिवार की प्रायोरिटी नहीं चाहते। चेलना के जीवन में जब ये गुण देख लिए कि उसके मित्रों का संगठन अच्छा है, इसके प्रतिक्रमण करने की अपनी एक शैली है, चेलना ने बार बार लोगों को कहा कि पढ़ पाओ या नहीं पढ़ पाओ, लेकिन प्रतिक्रमण जरूर करो। एक गृहस्थ होकर के, एक कन्या होकर के पूरे राज्य में संलेखना का माहौल बनाती, पूरे राज्य में लोगों को प्रतिक्रमण करने के लिए प्रेरणा देती, अपनी आलोचना निंदा करने के लिए प्रेरणा देती, विश्वास करने की शक्ति पैदा करती। श्रद्धा करो भगवान पे, सब ठीक होता है। अगर ये सौंदर्य हमारे जीवन में होता, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, तो लगता कि हमारे जीवन का एक अपना अद्भुत सौंदर्य है। साथ ही साथ चेलना की एक और बहुत अच्छी खासियत थी कि कोई कहीं पर भी चेलना को निमंत्रण करे, चेलना कहीं पर भी भोजन करने के लिए नहीं जाती थी। उसकी खासियत थी कम खाने की, और हमारी आदत है प्लांट बेस्ड आइटम खाने की। प्लांट बेस्ड आइटम क्या होते हैं? चाहे वो पान का ठेला हो और चाहे फुल्की का, जहां पर बल्क पर कोई भी चीज़ें खाने की बनाई जाती है उसको प्लांट बेस्ड आइटम कहते हैं। लेकिन चेलना की लाइफ स्टाइल थी नो प्लांट बेस्ड आइटम खाने की, कम खाने की। और कम खाने का और घर का खाने का एक ऐसा अद्वितीय प्रभाव था चेलना का कि बिल्कुल इकहरी बदन की चेलना दिखती थी। कभी भी आप किसी भी फिल्मी हीरोइन को टीवी पर नहीं, ओरिजिनल में देखिएगा। हमने पहली बार खजुराहो में देखा, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हमारे दर्शन के लिए वहाँ पर पधारे, तो हमने देखा कि सिंगल हड्डी फेम की वो लड़की है।
हमने कहा बहुत दुबले पतले हैं, कुछ बीमारी हो गई है क्या? बोलते नहीं महाराज बीमारी नहीं है, होता क्या है कि कैमरा आपकी रियल वैल्यू शो नहीं करता है। मान लीजिए हम इतने दुबले हैं तो कैमरे में हम इससे मोटे ही दिखाई देंगे, इतने दिखाई नहीं देंगे जितने हम हैं। तो हमको रियलिटी में भी, क्योंकि कैमरा का पूरा काम रहता है, तो हमको रियलिटी में भी कैमरे में हम सामान्य दिख सकें, इसलिए हम लोग का वास्तविक जीवन उससे भी कम रहता है। ये तो फिल्मी लोगों की लाइफस्टाइल है। चेलना इकहरी बदन में इतना सौंदर्यवान थी कि गुप्तचरी भी उसके ऊपर मोहित हो गई। जितना कुछ सब चेलना ने इकट्ठा, चेलना के बारे में इकट्ठा कर लिया कि संपन्न लोग की शिक्षा में जितने भी सद्गुण होते हैं, अगर आपके घर के अंदर आपको किसी भी प्रकार के पैसे की कोई भी कमी नहीं है, आपको लगता है कि हमारे परिवार की बेटियों को पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर परिवार के अंदर में इनर क्वालिटी डेवलप करिएगा। उनको संलेखना का महत्व समझाइए, बचपन से आलोचना का प्रतिक्रमण का महत्व समझाइए, बचपन से सिखाइए स्वाध्याय करो या नहीं करो। ये दुनिया भर के जितने भी लोग बार बार चिल्लाते हैं स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से बड़ा कुछ मिलता है, हम आपको बताना चाहते हैं स्वाध्याय करो या नहीं करो। करो तो अच्छी बात, और नहीं भी करो तो कम से कम मंदिर में जा करके प्रतिक्रमण रोज करो। कितने ज्ञानी हैं नरक में चले गए, लेकिन प्रतिक्रमण करने वाले एक भी व्यक्ति की कभी जीवन में दुर्गति नहीं हुई। कितने पंडित हैं जो उठ करके कब अनंत के नरक की यात्रा में चले गए, अनयोग के ग्रंथ उठा करके खुद देखिएगा, लेकिन प्रतिक्रमण करने वाला हमेशा बचता चला गया। हाथ जोड़ा, खम्मा मि सब जीवनम खब्य जीवा समंतु में मित्य में सब बुदेशु बैरम मध्यम न केण भी। सोने से पहले बोल करके, सोने से पहले प्रतिक्रमण करके, एंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचेंदिया पुड़विकाया आवकाया तेवकाया वाऊकाया वनफदिकाया तस्मिक्षा में दुक्कड़म। किसी के प्रति कोई अपराध किया हो तो कदोबा कारदोबा किरंतोबा, किया हो कराया हो करते हुए कि अनुमोदना की हो तस्मिक्षा में दुक्कड़म। ये जैन शासन का वो दमदार सशक्त ब्रह्मास्त्र है कि अबोध व्यक्ति भी इसको अपना सकता है। हमको नहीं समझ में आती चार अनुयोग की भाषा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण की भाषा समझ में आ जाए तो भी सौभाग्य की बात है। चेलना की सारे सौंदर्य को गुप्तचरी ने अपने दिमाग में रखा। चेलना का एक और सौंदर्य गुप्तचरी को दिख रहा था, और देख करके गुप्तचरी अपने आप में आश्चर्यचकित हो रही थी। उस सौंदर्य की चर्चा हम कल पुनः करेंगे, आज आपका समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूँ। अपने भाव को बना के रखिएगा। ये अद्भुत सती चेलना का चरित्र है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जाते हैं सिर्फ रोशनी फैलाते हैं। ऐसी एक रोशनी, एक ऐसी मसाल, एक ऐसा सूर्य महाराज चिटक के घर के अंदर पैदा हुआ है चेलना। देखिए आगे आगे उसकी क्या गति होती है, समय आपको उसके बारे में और बहुत कुछ बताएगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।